ये कहानी है 1943 की। एक लड़का है जिसका नाम है सीख, उसे लड़की पसंद करती है जिसका नाम है मिसबेट, और वो उसको प्यार हो गया था 40 साल की अपनी एक टीचर से। और वो कितना ज़्यादा सेक्स करते हैं या कितने ज़्यादा गलत सीन करते हैं, वो इस पूरी मूवी में दिखाया गया। मतलब मूवी बहुत ही बेहतरीन है, जिसका नाम है ऑल थिंग्स फ्रेयर्स। इस लड़की है जिसका नाम है मिसबेट, जो अपने हीरो सीख को पसंद करती है, जो कि 15 साल का है। और ये जो वॉर का टाइम दिखाया गया है 1943, तो फिल्म की शुरुआत में देखने को मिलता है कि अपनी जो टीचर का नाम है बोला, वो क्लास अटेंड कर रही होती हैं, और जो बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे की मुँह चिंगम खा खो के शेयर कर रहे होते हैं। मतलब बहुत ही गंदा पना कर रहे होते हैं। वो एक चिंगम खाता है तो दूसरे को शेयर करता है, एक खाता है तो दूसरे को बांट देता है, तो मतलब बहुत ही गंदा पना था। तो वो सब नोट कर रही होती हैं बोला, लेकिन वो तब रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन इसके पास जब सब क्लास खाली हो रही होती है, तो वो अपने हीरो सिक को रोकती हैं और बोला पूछती हैं कि बेटा ये सब मत करो, क्योंकि ये बहुत सही नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया शेयर हो रहे हैं एक दूसरे के। वो अकेले में उसे रोक के बोल रही होती हैं, तो अपना जो सिक है उसको थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगती है। मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव मैडम है ये, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ इनसे मेरा कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखता नहीं है। और वो मक्खियाँ भी मार रहा था, तो वो मैडम उससे मक्खियाँ भी साफ़ करवाती है जो उन्हें मार रखी थी दूर से निशाना लगा के। और फिर इसके बाद छुट्टी हुई थी और वो अपने घर चला जाता है। घर पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि अपना जो सीख है वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है, और उसकी मम्मी ने उसे बताया है कि उसका जो बड़ा भाई जो नेवी आर्मी में है वो अब बहुत जल्दी आने वाला है। तो जब वो जॉब कर रहा था, उसका भाई वहीं पर आया था। मतलब उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, उसे सरप्राइज़ मिलता है, बहुत बड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, सरप्राइज़ मिलता है और वो खुश हो जाता है। फिर उसके अगले दिन वही क्लास होती है, अटेंड करता है वो, और फिर वो अब मैडम की डिक्शनरी यूज़ कर रहा होता है, तो मैडम उसे एक एक वर्ड का सही से मतलब समझा रही होती है। और फिर सिख जो है, मैडम बोलती है कि एक ज़रा दीवार साफ़ कर देना, तो सिख वहाँ पर जाता है। और सिख जब जा रहा होता है, तो उसकी नज़रें मैडम की वहाँ चली जाती हैं जहाँ नहीं जानी चाहिए थी। वो जब बुक लग रहा था, उसको ध्यान वहाँ चला जाता है। तो मैडम ये समझ गई थी कि लड़के में कुछ तो बात है, मुझ में इंटरेस्टेड है। तो फिर एक दिन मैडम बोलती है कि मुझे कुछ सामान उठाना है, कोई बच्चा मेरे साथ आएगा। तो सिख वहाँ पे जाता है और वो दोनों ऊपर एक कमरे में जाते हैं, और सिख मैडम को किस करता है, मैडम भी उसे किस करती है, मैडम उसे कुछ नहीं बोलती। तो इन दोनों का छुपा छुपा रोमांस चालू हो जाता है, छुपन छुपा सही है, इसे बोल सकते हो आप। और ये दोनों किस वगैरह करने लगते हैं स्कूल के अंदर ही, लेकिन मैडम को पता है कि वो स्कूल के अंदर है, तो ज़्यादा ओवर होना सही नहीं, मतलब अभी कहीं मूव वूव में लेना तो सही नहीं है ना इस टाइम पे, इस वजह से। और हाँ, इस पूरी मूवी में ये सब भी है, तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग क्या देखना चाहते हो हर फिल्म में। फिर उसके बाद वो उनके घर पे जाने लगता है, और हाँ वो अपने उनके घर पे सोने भी लगता है हर रात को। मतलब वो लोग स्कूल अटेंड करते हैं, क्लास में जाते हैं, और जाते वक्त दूसरे घर पे जाते हैं, और फिर वहाँ पे वो टप टप करते हैं, अपना दिल हल्का करते हैं, और ऐसे उसकी पूरी ज़िंदगी जा रही होती है। और सिख का बिल्कुल एक रूटीन था शिफ्ट की, मतलब जाना है और सेक्स करना है, और फिर स्कूल आना है, फिर जाना है, फिर मतलब हीट बीट सेक्स रिपीट, ऐसा वो कर रहे होते हैं। लेकिन हमें पता चलता है सिख उससे पूछता है कि उसका एक हस्बैंड भी है, उसका हस्बैंड बहुत ही प्यारा है, मतलब उसे पता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन वो फिर भी रिएक्ट नहीं करता है। उसके वो मैडम से पूछते भी, मैम आप ऐसा क्यों करती हो, तो बोलती है कि ये मुझे कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन सिख की जो प्यार करती थी मिसबेट, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो उसे एक अकेले कमरे में लेके जाती है और अपना सब कुछ खोल के दिखाती है, लेकिन वो मना कर देता है। और अपनी जो मैडम थी, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम कभी भी कुछ भी क्लास में खोल देती हैं, मतलब दिखा देती हैं उसको कि ये कहीं जाए ना, यहीं अट्रैक्ट होता रहा है। लेकिन एक दिन सिख को बुरा लगता है क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, तो सोचता है कि उसके साथ अफेयर खत्म करना पड़ेगा। तो वो बुरा मान के एक डब्बे में छुप जाता है मैडम से, क्योंकि वो मैडम कहती है यहीं पे कर लेते हैं, लेकिन वो छुप जाता है। और जब वो छुप जाता है, तो वो मिसबेट को अपने साथ बुलाता है, और फिर मिसबेट और ये, मेरा सांस फूल गया, फिर मिसबेट और ये डब्बे में ही गलत सीन खड़ाते हैं, मतलब डब्बे को ही बूम बाम कर देते हैं, डांसिंग डब्बा बना देते हैं उस डब्बे को। और फिर मिसबेट सोचती है कि मतलब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया, वो उसे हग वगैरह करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है, ऐसा ये लव ट्रायंगल दिखाती है मिसबेट के साथ में। और फिर इसके बाद क्या होता है कि अब वो जो मैडम उसे छोड़ ही नहीं रही है, तो मैडम क्या करती है, मैडम को छोड़ो, अब पहले उसके घर पे खत आता है, जो खत में पता है क्या होता है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, वो अपनी मम्मी को जाके बताता है, और मम्मी भी उसकी बहुत रोती है। तो मतलब धीरे धीरे करके अपना जो सीख था उसका ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में अब काफ़ी कुछ छूटने लगा था। मतलब एक अफेयर के चक्कर में वो डर भी रहा था, और उसके भाई की भी डेथ हो गई थी, वो काफ़ी टूट गया था अंदर से। और फिर वो सिनेमा हाउस में जाती है मिसबेट के साथ, लेकिन जो मैडम है वहाँ पे भी आ जाती हैं बोला, और बोला जो है उसी के साथ एक कमरे में, मतलब सिनेमा का एक छेद में, पता नहीं किस में छुपे हुए थे वो, उसमें सेक्स कर रहे होते हैं। ये सब मिसबेट करते हुए देख रही थी, और मिसबेट जो है अपने सिख से ब्रेकअप कर लेती है, बोलती कि नहीं तुम उस बुढ़िया के पीछे जाओ, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैडम उसे बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती है, मतलब खींचती रहती है अपनी तरफ से, अपने आप से कुछ चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं, लेकिन सिख को अभी सब पसंद नहीं आ रहा होता है। तो मैम क्या चलाकी करती हैं, बोला क्या चलाकी करती है कि वो बोलते हैं कि बेटा तुम फेल होने वाले हो, और तुम पता फेल क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुम इस साल मेरे साथ ही रहोगे, इस वजह से तुम फेल हो रहे होते हो। इसी गुस्से में अपना जो सिख है वो मैम के पास आता है, और सबके सामने अपना खोल के दिखा देता है, और वहाँ से चला जाता है। वो फेल हो जाता है, लेकिन फेल होने के बाद वो मैडम की सारी किताबें लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसका बदलने का सेंस ये था कि मतलब मैम को ना किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, तो वो मैम की सारी किताबें चुरा के दिखाना चाह रहा है कि मैंने इन सब बदला ले लिया है। मतलब मूवी काफ़ी अच्छी थी, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।